दोस्तों एक ऐसा प्लेन जो 35 साल बाद आसमान से धरती पर लैंड हुई और जब उस प्लेन को खोला गया तो उसमें मौजूद चीजों को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों यह बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट PWF-513-92 पैसेंजर को लेकर जर्मनी से ब्राजील के लिए रवाना हुई। यह यात्रा तकरीबन 18 घंटे की थी, लेकिन उड़ने के कुछ ही देर बाद प्लेन का कनेक्शन कंट्रोल टावर से टूट गया और 92 पैसेंजर से भरा हुआ प्लेन आसमान में कहीं गायब हो गया और यह आज तक नहीं पता चल सका कि वो प्लेन आखिर गया कहां। और बाद में सैंटियागो एयरलाइंस को भी बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी 35 साल बाद साल 1989 को रोंगटे के रडार में एक प्लेन को देखा गया और जब उस प्लेन ने जमीन पर लैंड किया तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि यह वही सैंटियागो एयरलाइंस की प्लेन थी जो 35 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। और जब हाईवे अथॉरिटी ने जब उस प्लेन के गेट को खोला तो उसके अंदर सिर्फ इंसानों के कंकाल मौजूद थे जो अपने सीट बेल्ट बांधे हुए थे, यहां तक कि कैप्टन के भी सिर्फ कंकाल ही रखी हुई थी। इस चीज के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह प्लेन साल 1935 में टाइम ट्रेवल बबल्स के अंदर चली गई होगी और साल 1989 में आ पहुंची। लेकिन आखिर पायलट के कंकाल ने सही सलामत प्लेन को कैसे लैंड करवाया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है।